क्या लड़की है यार, सीनो जमील, कौन है ये चमक चलो? अबे दो नंबर लड़की है साली, क्या बात कर रहा है यार, लगती तो नहीं है यार। अबे शक्ल से नहीं, इनकी हरकतों से पता चलता है दो नंबर लड़के हैं। भाई इसकी और इसकी बेटी की बड़ी मशकूक हरकतें हैं। इनकी माँ अपने आप के डिप्टी कमिश्नर की बेवा बताती है, और ये जो उसके साथ जा रही है ये इसकी मुलाजमा है। लेकिन इसकी एक बहन है, इसकी तरह खूबसूरत नहीं है। लेकिन ये तो एटम बम है यार, बस एक आधा हफ्ता रुक, तेरा भाई इसको सेट करता है। गाज भी नहीं डालेगी तुम्हें तो, ये इनको तो पैसे वाले मर्द चाहिए जो इनके पे पैसे उड़ाए पानी की तरह और इनके नखरे उठाए। फिलहाल तो भाई ये आजकल इस गुलशन का चक्कर उस सलीम दुकान वाले के साथ चल रहा है। वो सलीम दुकान वाला, किरियाने वाला, जिसकी वो नुक्कड़ में दुकान है। अबे सवाल ही पैदा नहीं होता यार, इस लड़की का कैलिबर इतना खराब नहीं, इसे तो चाहिए कोई अपने जैसा जवान छोकरा। फिलहाल तो ये रिपोर्ट मिली है कि वो सलीम इनके घर बड़े चक्कर लगा रहा है दिन रात, और अगर चक्कर लगा रहा है तो माल भी उठा रहा होगा। तो भाई तुम जैसे लंगूर को ये लिफ्ट नहीं कराएगी। अबे खैर, तेरे भाई के पास इससे भी अच्छी ऑफर है। क्या है भाई? वो बताने की नहीं है, लेकिन तेरा भाई उस ऑफर से बिल्कुल बहुत जल्द फायदा उठाएगा। अरे भाई कर ले, तू भी कर ले कुछ ना कुछ। अच्छा चलो ठीक है भाई, खुश रहो खुश रहो, बाद में बात करते, अल्लाह हाफिज। क्या बात है अम्मी, बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ सुफिया का फोन था। सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है। वो कह रही थी कि नासिर बहुत खुश हुए उसके वापस जाने से। उसकी सास ने थोड़ी बहुत मुखालफत की थी, मगर फिर। मगर क्या? मगर भाई सूफिया की नंद का बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो बता रही थी कि लड़का इकलौता है, सिर्फ बाप है उसका, आगे पीछे कोई नहीं है, और वो लोग बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं। तो क्या नासिर भाई की अम्मी ने हाँ कर दी? ये क्यों नहीं करेंगी? हाँ ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों को मिलते हैं कि आगे पीछे कोई ना हो, और ये सास नंदों का झंझट, मेरा मतलब है कि लगाई बुझाई करने वाली सासें आसान होती हैं। जी अम्मी वो तो आप ठीक कह रही हैं। वैसे अम्मी मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी सास और मेरी नंद को लगाई बुझाई की आदत है। मेरी सास तो मेरी माँ और मेरी नंद मेरी छोटी बहन की तरह है। और मेरी बहू ये भी तो मेरी बेटी है, है ना? सीती रहो, खुश रहो। शुक्रिया जी। शहजादे। अरे मेरा यार आया भाई। अफजल चाचा जी, आवर साहब के लिए कड़क चाय और खस्ता पेस्ट्रियां लेकर आ जाओ। ठीक है। ये बात भाई, आज नजर आया मेरा पुराने वाला शहजादा सलीम है। तूने तो कमाल कर दिया है खावर, मैंने तुझे क्या बात करने के लिए भेजा था और तू क्या बात कराया था बस उस हाले से। ऐसा क्या कर दिया मैंने भाई? अबे मैंने तुझे जलाल की बात करने के लिए भेजा था गुलशन के साथ, तू वहां मेरा पैगाम दे आया। ए यार ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। अरे खावर तेरी भूल ने तो मेरी जिंदगी बदल दी यार। वो गुलशन मोहब्बत करती है मुझसे, फिदा है मुझ पे वो। अच्छा हुआ मैंने जलाल की बात नहीं की, वो बेचारे का तो दिल टूट जाता। मैं भी कितना बुद्धू यार, उसकी मोहब्बत को समझ ही नहीं सकता। देख मेरी जान, इसको कहते हैं खुदा के हर काम में मसलियत होती है, मानता है ना इस बात को? बिल्कुल सही कह रहा है। फिर अब क्या करना है? क्या करना है यार बता, कुछ समझ ही नहीं आ रही। अबे ऐसी मोहब्बत तो किस्मत वालों को मिलती है कसम से। तबस्सुम खाला और उनका खानदान बहुत ही आला और शरीफ है, ऐसी मोहब्बत मिली है तेरी किस्मत जाग जाएगी। यार ये बड़ा मुश्किल है यार। अबे क्यों मुश्किल है भाई? यार अम्मा और नूरजहां को पता चला ना कयामत बर्पा कर देंगे। अबे अम्मा और नूरजहां को बताने की जरूरत क्या है मेरी जान, सब कुछ खुफिया रख। ऐसे मामले खुफिया थोड़ी रह सकते, क्या कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। देख रहा हूँ मेरी जान, गुलशन का इश्क सर चढ़कर बोल रहा है, खूब रंगा है उसके इश्क में तू है। बस यार अब बता क्या करूँ मैं। देख भाई
इस मामले को खुफिया ही रहने दे। तेरी अम्मा को पता चलेगा ना तो हमारी भाभी के मामले में जज्बाती हो जाएंगी, इसलिए जब तक ये मामला खुफिया रहता है इसको खुफिया ही रहने दे। अल्लाह खैर करेगा, कल को तू बाप बनेगा ना तो तब तेरी अम्मा को एतमाद में ले लेंगे। अगर अम्मा ना मानी तो? अबे क्यों नहीं मानेंगी भाई, क्यों नहीं मानेंगी? मनाने के तरीके आने चाहिए और तरीके तुझे तेरा भाई सिखाएगा। हाँ, दूसरी बार दूल्हा बनेगा मेरा यार है। बहुत बहुत मुबारक हो जेबू, लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा। तुम्हें फौरन हमारे घर आना होगा मिठाई लेके। क्यों, आपके देवर साहब आपके पास मिठाई नहीं लेकर आए? उनका भी तो रिजल्ट आ गया है। अरे हाँ, वसीम का भी तो रिजल्ट आना था। आया होगा नहीं बल्कि आप ही आ गया है, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। सच? वसीम इतने अच्छे नंबर्स के साथ पास हो गया, तुम्हें बड़ी खबर है उसकी। हाँ वो आप ही, वो वसीम आते हैं ना अब्बा से पढ़ने के लिए, तो इसलिए वो मिठाई लेकर आए थे अब्बा को बताने के लिए, तो इसलिए मुझे पता चल गया आपके पास भी आते ही होंगे। मेरे ख्याल से वसीम आ गए जेबू, बाद में बात करती हूँ। अच्छा खुदा हाफिज़। अम्मा अम्मा, भाभी भाभी ये ले, ये खाएं, मैं पास हो गया। और तुम्हारे 88% आया ना? जी अल्लाह तेरा शुक्र। ये ले। नहीं नहीं पहले अम्मी, पहले अम्मी। अरे मेरा बच्चा, पहले तुम खाओ। ये लो। मुझे भी? पहले भाभी को तो खाने दो, भाभी को। नहीं पहले उसे खिला दो। अरे तो करा मुझसे ना। अरे मेरा बच्चा जीता रहे, मेरा बच्चा खुश रहे, हजार कामयाबियां देखे अपनी जिंदगी में। शुक्रिया माँ, अगर मेरी कामयाबी का सहरा किसी के सर जाता है ना तो वो है भाभी। अरे नहीं, अगर भाभी ना होती ना तो ना मैं आज पास होता और ना ही मैं जो है पढ़ाई दोबारा शुरू करता। हाँ तो मेरी पढ़ाई भी तो भाभी की वजह से शुरू हुई है। अल्लाह अम्मी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम दोनों। वाकई में ये घर नूर की वजह से इल्म की रोशनी से मुनव्वर हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ तो आपकी दुआएं और सलीम की मेहनत की वजह से। अरे 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 अरे, ये भाई बीच में कहाँ से आ गए? वो तो मेरे पढ़ाई के सख्त खिलाफ थे। हाँ लेकिन फिर मान भी गए ना। चले ठीक है मान गए थे, लेकिन इसमें उनकी मेहनत कहाँ से आई? क्यों, वो मेहनत करते हैं तभी तो हमारी किफालत करते हैं ना। ओ अच्छा जी, बीवी हो तो भाभी जैसी, शौहर की वफादार, चाहे शौहर जितना गुस्से वाला और लड़ाकू क्यों ना हो। बहुत मारूंगी अगर मेरे शौहर को लड़ाकू का। अच्छा वसीम, तंग ना कर भाभी को। भाई वापस आ जाना हॉस्टल से, देखो कितना अच्छा लग रहा है आपके आने के बाद। ना बहना, मुझे वहीं रहने दो, कम से कम सुकून से तो रहता हूँ और सुकून से पढ़ता हूँ। बस आप लोग अब दुआ कीजिए कि मुझे जल्द ही किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। हाँ क्यों नहीं होगा, जरूर होगा इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, अभी मिठाई का डब्बा जो है ना अपने भाई के पास लेके जाओ दुकान पे, बहुत खुश होंगे वो, और अफसल चाचा को भी जरूर खिलाना। हाँ ओए होए, अपने शौहर का बड़ा ख्याल है, हैं अम्मा? चल बाज आ जाओ तुम, चलो जाओ जल्दी से। अच्छा जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये रास्ता। देखिए अम्मी, मैंने कहा था ना कि वो बहुत अच्छा पढ़ के दिखाएगा। हाँ बेटा, तुम्हारा शुक्रिया बहुत है। अम्मी शर्मिंदा ना करें मुझे, जीती रही हो रही है मुझे। फरा फरा फरा, वो मैं फरा को देख रही थी। हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम मुझे ढूंढ रही थी? जी कभी अपने इस चाहने वालों पर भी नजर डाल लिया करो तुम। फुरकान भाई आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा हाथ छोड़े। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, और याद रखना शोर मत मचाना, तुम शोर मचाओगी तो सब आ जाएंगे। और जानती हो मैं सबसे क्या कहूंगा? मेरा हाथ छोड़ो। कि तुम मुझे नाच के दिखा रही थी, और जानती हो नाचती कौन है? हाथ छोड़ो मेरा, आंटी। तेरी तो नो, यहाँ क्या कर रही है तू?
भाई दुकान जबरदस्ती कर रहा है। तू घर जा, घर जा तू। देख आज तुझे कौन को चाहेगा मुझे बता, मुझे बता। सारे इधर आ, इधर आ। फरा क्या हुआ? इधर मेरे पास। क्यों मार रहे हो मेरे बच्चे को? नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। वो क्या किया? खाला इसने बदतमीजी करने की कोशिश की अमानों के साथ, जान से मार दूंगा इसे मैं। अबे तू कौन होता है मुझे मारने वाला? पहले अपने गिरेबान में झक, शादीशुदा होते हुए भी गुलशन से चक्कर चला रहा है, और तू क्या समझता है? तेरी माशूकी के बारे में किसी को नहीं पता? अबे आप पूरा नहीं तो आधा मोहल्ला जानता है तेरी माशूकी के बारे में कि तू क्या हरकतें कर रहा है। बड़ा है इज्जत का ठेकेदार, अबे तेरी बहन खुद खराब है। खबरदार फरकान, जो किसी की मां बहन पे उंगली उठाई वो तुम्हारी बहन की दोस्त है, और मानो बहुत अच्छी लड़की है, शर्म से डूब भर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अच्छा मैं करूँ तो गलत और ये करे तो सही, मैं रंगे हाथों पकड़ा गया तो बदमाशी और ये रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया तो पारसा। गलत बात कर रहे हो, मैं सलीम को बचपन से जानती हूँ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अंदर दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। सलीम बेटा मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं खाला उसकी जरूरत नहीं, मैं चलता। कोई बात नहीं बेटा, चल मैं इसको देखती हूँ। ये ले लाए, मैं धागा डाल। हाँ डाल दो बेटा, सुई नहीं मिल रही है, शायद इसमें कहीं लगी हुई है। जी अरे सलीम आप आ गए, मैं खाना लगा देती हूँ। भूख नहीं है मुझे। अरे दोने वाले ही खा ले, कब से इंतजार कर रही है तेरा। परेशान लग रहे हैं। थक गया होगा काम काज की वजह से। मैं अभी आई। सलीम क्या बात है, आप परेशान हैं? सीआईडी में चली जाओ तुम। तुम मेरी इतनी जासूसी करती हो हर वक्त। मैंने आपकी क्या जासूसी की? आप क्यों ऐसा सोचते हैं? देखो तुम खामोश हो जाओ, मेरा दिमाग फिर रहा है इस वक्त, और बात करके खराब मत कर। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। खुदा का वास्ते आगे से और बहस मत किया करो, जाओ यहाँ से। मानो मानो, कब से आवाजें दे रही हो? मेरी आवाज पे नहीं आई, भाई की एक आवाज पे आ गई। हाँ आओ बैठो। क्या कर रही हो कमरे? नाश्ता करो। कुछ नहीं भाई। क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? मानो मानो, अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? हाँ बताओ ना क्या बात है। मैं बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये रोज जब घर से बाहर निकलती है कहाँ जाती है ये? हाँ पता है किसी को? ये अपनी दोस्त के घर जाती है, वहां पे टीवी देखती है, गाने देखती है, सारे मोहल्ले के लड़के इसके पीछे पड़े हुए। तुम लोगों को पता ही नहीं, पूरे मोहल्ले को पता है हमारी इज्जत बदनाम हो रही है। क्या हो रहा है इस घर में? मैं नहीं होता यहाँ पे, पता नहीं पीछे क्या क्या हो रहा होता है। ये तो आज मैंने इसको देख लिया वहां पे बीच बाजार में, दो टके की नहीं करती इसने इज्जत हमारी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे खबर लूंगी मैं उसको, याद रखेगा। वो अम्मा रहने दे तू, ये तुम्हारी शायद ही जो छुप छुप के अपनी दोस्त के घर जाती थी, अपनी बेटी की खबर है नहीं, उसकी क्या खबर लेगी तू? मगर सलीम तुम तो खामोश ही रहो, वैसे तो हर सबक पढ़ाती हो तुम। ये नहीं बताया ऐसे कि जवान लड़की दूसरों के घर जाके टीवी देखे, ये ठीक नहीं है। इस हादसे के जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों, आज के बाद इसका घर से बाहर निकलना बंद। अरे मैं अभी जिंदा हूँ समझे ना, किसी और की गलती की सजा मैं अपनी बच्ची को क्यों दूं? बढ़ाया। अच्छा ठीक है फिर, इसके बाद अगर कुछ भी गलत हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुन लो सब। बस कर बेटा बस, चल आगे नाश्ता कर। मुझे तो बताना था ना। चल नाश्ता कर। शाबाश। हाँ बस रोना बंद कर, रोना बंद कर, चल।
ने ये बात इसलिए की है कि उसे मेरी कमजोरी का पता चल गया था कि मेरा गुलशन के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी मानव के साथ होने वाले हादसे का जिम्मेदार मैं हूं। नहीं नहीं, उस हादसे का जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं वहां वक्त पर पहुंच गया और मानव को वहां से भेज दिया, वरना उसे तो गुलशन के बारे में पता चल जाता। और मेरा जो रोग है घर में वो तो सारे का सारा मिट्टी में मिल जाता। बाल बाल बच गया सलीम। सलीम भाई, ये चावल का हिसाब कर लो। और तू क्या समझता है तेरी माशूकी के बारे में किसी को नहीं पता? अबे अब पूरा नहीं तो आधा मोहल्ला जानता है तेरी माशूकी के बारे में कि तू क्या हरकतें कर रहा है। क्या बात है, आज चाय नहीं पिलाओगी? जी नहीं। क्यों? हम तो कहीं बाहर जाके चाय पियेंगे, और वैसे भी घर की चाय पी पी के मैं तो बहुत बोर हो गई। बाहर? हाँ बाहर। बस डर गए क्या? नहीं नहीं, डरता नहीं हूँ मैं किसी से, लेकिन वो रोज रोज मोटरसाइकिल पे बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता ना तुम्हारे साथ। तो गाड़ी खरीद लीजिए ना, वैसे भी मुझे बाइक पे बैठने की आदत कहाँ है आप तो जानते हैं। गाड़ी? हाँ गाड़ी, हमारी सहूलत भी हो जाएगी और आपकी उस फटीचर से हमारी जान भी छूट जाएगी। आपको पता है जब हमारे घर के हालात अच्छे थे ना तो हमारे गैरेज में हमेशा एक गाड़ी होती थी। अगर अब क्या बताऊं मैं आपको? चलो फिर कुछ सोचते हैं। सोचना नहीं है आपने, बस मैंने कह दिया है कल तक गाड़ी का इंतजाम हो जाना चाहिए, फिर आप और आपकी गुलशन एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, रोमांटिक गाने सुनेंगे समंदर के किनारे, कितना अच्छा मंजर होगा। हाँ अच्छा तो होगा, मगर मगर क्या? क्या जाइए आप, मैं आपसे बात नहीं करती। अच्छा नाराज तो मत, देखो मैंने इनकार तो नहीं किया ना। तो फिर ये अगर मगर क्या लगा रखी है आपने? अच्छा ठीक है, मैं कल गाड़ी ले आऊंगा। वादा? पक्का वादा। अच्छा लेकिन अभी तो आप मुझे अपनी उस टीचर सी बाइक पे शॉपिंग पे ले चलिए प्लीज। कहाँ जाना? अब चलिए तो मैं बताती हूँ। सच कहा तुमने नूर, कभी कभार तो मुझे लगता था कि मैं सारी उम्र मेहनत करती रहूंगी लेकिन अम्मी का दिल कभी नहीं जीत सकूंगी, लेकिन आज पहली बार उन्होंने मुझे बेटी कहा। बहुत 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 मुबारक हो आप भी। और अब आप ही ना आंटी सोचना छोड़ दो, अम्मी समझा करो उनको, फिर देखना आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। ठीक कह रही हो तुम, शायद मैंने भी उनको हमेशा सास ही समझा, दिल का घोट कभी मुझे उनके करीब ही नहीं जाने देता था। अगर दिल खालिस होते ना आप ही तो फिर रिश्ते भी खालिस हो जाते। बिल्कुल सही कह रही हो तुम नूर, आज देखा है मैंने अम्मी के लहजे में खुलूस। आखिर आपने अपना हक अदा कर ही दिया। हक? किस बात का? आपके इतने अच्छे नंबर्स ऐसे ही तो नहीं आए ना, अब जाहिर सी बात है नोट्स बनाने वाली का भी तो कमाल है। हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है कि नोट्स बनाने वाली का बड़ा कमाल है, और वो है भी कमाल की। कुछ कहा आपने? यही कि आप बहुत कमाल के इंसान हैं। वैसे आपको काफी बातें बनाने आ गई हैं। अच्छे दोस्तों की अच्छी सोबत का असर है। और मेरी आपी की मेहनत का भी, अगर वो आपके लिए स्टैंड ना लेती ना
तो आज आपके भाई आपसे दो दो चार करवा रहे होते। हाँ कह तो बिल्कुल ठीक रही हो। आज मैं जिस मुकाम पर भी हूँ भाभी की बदौलत ही हूँ। भाभी मेरी अंधेरी जिंदगी में तब उजाला बनकर आई जब मैं सारी उम्मीदें हार चुका था। तुम्हें पता है मुझे लगता था कि बाकी की सारी जिंदगी अनाज की बोरियां गिनते गिनते गुजर जाएंगी। शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने आपके नसीब में डॉक्टर बनना लिखा था। लेकिन अभी मैं डॉक्टर बना कहाँ हूँ, अभी तो सिर्फ इम्तिहान पास किया है। लेकिन जिस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगा ना तो आपकी टक्कर पर क्लिनिक जरूर खोलूंगा। अच्छा अभी तो बड़ा थैंक्स कह रहे थे, भूल गए इतनी जल्दी मेरे नोट्स को। आप तो बात दिल पर ले। सच बात जबान पर आ ही जाती है, सब जानती हूँ। आप सब जानती हैं, ये तो मुझे मालूम है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ गायब है भाई तू आजकल? और भाई मैंने कहाँ जाना है, पहले दफ्तर फिर घर, आप और सलीम ही नहीं मिलते मुझसे। भाई सलीम साहब आजकल ऊंची उड़ानों में हैं। क्या मतलब? अबे कुछ नहीं, आ जाओ तुझे चाय पिलाता हूँ। खैर भाई चाय शाय फिर किसी वक्त पीते हैं। वो मैं सलीम की अम्मी के साथ जा रहा हूँ। सलीम की अम्मी का खैरियत तो है ना? वो रिश्ता करवा रही है मेरा। रिश्ता तेरा? सोला ने सच? क्यों मेरा रिश्ता नहीं हो सकता? है क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। इधर सलीम अपना रिश्ता करवा रहा है, इधर तेरा रिश्ता हो रहा है, वाह करो रिश्ते। क्या मतलब सलीम अपना रिश्ता करवा रहा है? इसे अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी खूबसूरत और समझदार बीवी दी है। वो अबे हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी और खूबसूरत समझदार बीवी, सब पता चल जाएगा। तू जाके शादी कर, तेरी शादी में जरूर नाचूंगा, बाजे बजवाएगा ना? जरूर इंशाल्लाह। चल चल। ये लीजिए भाई, मुंह मीठा कीजिए। शुक्रिया भाभी, ये किस बात की मिठाई है? वैसे तो ये मिठाई वसीम के पास होने की है, लेकिन आप अपना मुंह मीठा जरूर कर लीजिए क्योंकि लड़की वालों ने हाँ कर दी है, अम्मी ने तो तारीख भी सेट कर दी है। सच भाभी? 16 आने सच। अच्छा आप जल्दी से शादी की तैयारी कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी काम हो तो मुझे या अम्मी को जरूर बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया भाभी, आपने खरीद लिया मुझे। आज तक किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, ना ही किसी ने मेरी महरूमी को महसूस की। मैं आपका और माँ जी का बहुत शुक्रगुजार। अरे अब तुमने कैसा शुक्रिया। अच्छा मैं अम्मी को बुला। भाभी वो मैं दुकान पर गया था, आज भी सलीम दुकान पर नहीं था। आज भी नहीं था सलीम? जी वो मैं खबर से मिला, उसने अजीब बात की। क्या कह रहा था? सलीम अपना रिश्ता करवा रहा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया।
वसीम की बात कर रहे हो? हाँ, वसीम का ही कह रहे होंगे। शायद मेरे सुनने में कोई गलती होगी। मैं अम्मी को बुलाती हूँ। जी भाई। आज मैं सलीम दुकान पर नहीं था, वो मैं काबर से मिला, उसने अजीब बात की। कह रहा था सलीम अपना रिश्ता करवा रहा है। काबर ने ऐसा क्यों कहा? हो सकता है उसने वसीम को कहा, मगर खैर वसीम का रिश्ता ये बात तो पुरानी है, पर वैसे भी इस बात का इल्म खाबर भाई को कैसे हो सकता है? या अल्लाह मेरी मदद करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा सेट है भाई। सलीम मियां, आप तो हमारी गुलशन की आदतें बिगाड़ देंगे। अम्मी जान, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब मैं सलीम से फरमाइश नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? करें आप उनसे फरमाइशें, हम कौन होते हैं आप लोगों के बीच में बोलने वाले। अल्लाह आप लोगों की जोड़ियों को सलामत रखे। जब आप लोग बाहर निकलते हैं ना तो हम डर जाते हैं कि किसी बदखौ की नजर ना लग जाए। साथ बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग। उसका भी इलाज मैंने अम्मी जान सोच लिया है। वो क्या? सलीम बताइए ना आप। तुम ही बता दो। नहीं नहीं, जब कल घर पे सरप्राइज आएगा ना तो अम्मी जान को खुद ही मालूम हो जाएगा। क्यों सलीम? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। खानम बीबी, खाना लगाऊं? हाँ हाँ, चाय लगाएं। नहीं खाला जान, मैं अब चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, आप खाए बगैर नहीं जा सकते। आज हमने आपके पसंद का खाना बनाया, देसी घी में बकरे का गोश्त, पलाव और जाफरानी खीर। खाए बगैर नहीं जा सकते आप। जी सलीम। वसीम के बच्चे, तुमने मेरी जान निकाल दी, ऐसे कौन करता है? भाभी डर गई। जाहिर है तुम आई ऐसे थे, तुम्हारी शर्ट का बटन ठीक कर रही थी अंधा। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे क्या मालूम था आप इतनी जोर से डर जाएंगे। गए थे तुम अपने भाई को मिठाई खिलाने। वाह जी वाह, सब समझ रहा हूँ मैं। भाई के साथ आप सैर पर निकल गई थी, अब समझ में आया कि आप भाई की हाँ में हाँ क्यों मिला रही थी, उनकी इतनी बातें क्यों मान रही हैं? क्योंकि आप भाई की मोहब्बत में डूब जो रही हैं, है ना? हैं? पर मेरे साथ ठीक नहीं किया आपने। खुद तो भाई के साथ निकल गई सैर पर और मुझे भेज दिया दुकान पर। किसके लिए? अफजल चाचा के लिए? कोई गलत बात है? चले छोड़ें। ऐसे एक बात तो बताएं, आप भाई के साथ कहां गई थी? बता दे, मैं तो आपका छोटा भाई। बोले अरे भाई कहां खो गई? अच्छा चले ठीक है, नहीं बताना ना बताए। नहीं, घर के लिए कुछ चीजें चाहिए थी, उसी के लिए साथ गई थी। ओ, मैं समझा आप डेट पर गई थी। चलो कोई बात, ये बात ठीक कर दी है। अच्छा लाइए, ये भी ले लेते हैं। वैसे भाभी थैंक यू सो मच इसके लिए। मैं तो चला अपने कमरे में, पैकिंग जो करनी है। बाय बाय। मेरी इज्जत सिर्फ आपके हाथ में है, प्लीज मेरी इज्जत रख लीजिएगा और कल गाड़ी ले आइएगा।
मुझ पर भरोसा नहीं है। खुद से भी ज्यादा है। तो फिर बेफिक्र हो जाओ। जाना थोड़ी देर। अम्मा मैं रुक जाता लेकिन दोस्तों ने मुझे पार्टी दी है, मैं आऊंगा आप लोगों से मिलने के लिए। अच्छा ठीक है जा। भाभी? हाँ? भाई जब आए तो उनसे मेरे दाखिले की और मेडिकल के कॉलेज में जो मेरे पढ़ाई पे खर्चा होगा उसकी बात कर लीजिएगा। फिक्र क्यों करता है, नूर है ना, संभाल लेगी। मैं बात कर लूं। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह कल का क्या सरप्राइज है गुलशन? मैंने उनसे गाड़ी की फरमाइश की है। है? सच आपा? जी जनाब। हाय आपा सच, पहले तो तुम पे मुझे ना बड़ा तरस आता था कि अम्मी जान ने तुम्हें किस गाउदी के पल्ले बांध दिया है, मगर अब तो मुझे तुम पे रश्क आने लगा है। बस देख लो अपनी आपा के कमाल। अम्मी जान आपको सेट तो पसंद आया है ना? अच्छा है लेकिन हल्का बहुत है, कम से कम तुम्हें 10 तो लेकर लेना चाहिए था। अम्मी जान उस वक्त उनके पास पैसे ही इतने थे, फिर मैंने सोचा कि कुछ और लेने से तो बेहतर है कि मैं ये सोने का सेट ले लूं। अरे बेवकूफ लड़की, अपनी कीमत और शान के मुताबिक फरमाइश किया करो तोहफों की। ठीक है ना, कल वो गाड़ी ला तो रहा है, और क्या चाहिए आपको? वो कल की बात है, और कल की किसने देखी है? आप चाहती क्या हैं? क्या चाहते हैं आप? बहुत जल्द, बहुत ज्यादा। अम्मी जान आप फिक्र मत कीजिए, वो मेरी मुट्ठी में, समझी? ये मत भूलो कि तुम्हारी मुट्ठी से पहले वो किसी और औरत की मुट्ठी में है, और वो मुट्ठी ज्यादा ताकतवर है। अगर उस मुट्ठी की ताकत इतनी ही होती ना तो वो यहाँ मुझसे रोज रोज मिलने नहीं आ जाता। यहाँ आना उसकी गलती है, और इससे पहले कि कोई इसको एहसास दिला दे बहुत ज्यादा समझ लेना चाहिए। अच्छा बाबा बस कर दें आप, पहले आपके कहने पे उससे जा के रोज मिलो, उसके बाद घर आके तकरीर सुनो। चाहती क्या है आप? आपका रोज का यही मसला है। जबान नहीं चलने लगी पीछे, है ना, जो भी हो सच तो बड़ा प्यारा। किधर से आ रहे हैं आप? भैया तुम क्या पुलिस वालों की तरह सवाल पूछती रहती हो, कहां से आ रहे हैं आप? कुछ पूछा है मैंने आपसे? अपने दोस्त के पास था, सुन लिया बस। कौन सा दोस्त? ये बताना जरूरी नहीं है। क्यों? बीवी का इतना हक तो होता है कि वो अपने शौहर से ये पूछ सके कि वो रात कितने बजे कहां से आ रहा है। तुम नहीं जानती उसे। कहीं वही दोस्त तो नहीं है जिसके साथ आप दोपहर में मोटरसाइकिल पे फिर रहे थे? क्या? कौन थी वो? किसकी बात कर रही हो तुम? वही जो आपकी नई दोस्त बनी है, और आपकी उससे इतनी बेतकल्लुफी हो गई है कि आप उसे मोटरसाइकिल पर घुमाने लेके जाते हैं। ये क्या फजूल बकवास कर रही हो तुम? मैं तो खबर के साथ था सारा दिन उसके घर पे, और तुम तो घर बैठी रहती हो सारा दिन, तुम्हें क्या पता मैं कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं? फजूल घर बैठे जो भी दिल में आया बना लिया। मैंने ये खुद से नहीं बनाया है, वसीम ने खुद आपको देखा है मोटरसाइकिल पे उसके साथ जाते हुए। वसीम? वसीम कहां से आ गया? वो तो हॉस्टल में।
वो क्या जासूसी कर रहा है मेरी? ये तुम घर बैठी औरतों का ना मर्दों पर शक करने की आदत होती है बस। वसीम आज घर आया था, उसका रिजल्ट आ गया, फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है। आपकी दुकान पे गया था मिठाई लेकर, लेकिन आप तो धोखा हुआ है उसे। उसने तुम्हें बताया और तुमने यकीन कर लिया। शक्की औरत हो तुम। अल्लाह करे कि उससे धोखा ही हुआ हो, और अल्लाह करे कि जलाल भाई की भी बात गलत हो। धोखा ही हुआ है तुम्हें। अब खुदा का वास्ता ये शक्ल लेके अम्मा के पास ना चले जाना, हमखा मेरा जीना आराम कर देंगी वो। कल वसीम फिर आएगा, उसके मेडिकल कॉलेज की फीस वगैरह आप ही को देखनी होगी। लो एक और खर्चा। ये खर्चा नहीं है सलीम, वसीम डॉक्टर बन जाएगा, घर की इज्जत बढ़ेगी। ये तो असली कारोबार है, बड़े मुनाफे वाला। अच्छा बस अब ज्यादा नसीहतें ना करना मुझे। सलीम किसी दूसरी औरत के चक्कर में, सलीम ऐसा नहीं कर सकता। नहीं तो फिर वसीम और जलाल भाई की बात में क्या करूं?